देखिए, कल यानी 15 जुलाई से आप सभी के CUET 2022 के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। अब आपको CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड का तमाम छोटी बड़ी खबरों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको ना पता हो, उसके वजह से आपका कुछ नुकसान हो जाए, तो इससे बचने के लिए आप हमारे चैनल पर प्रत्येक सुबह आइए और 2-3 मिनट में जो भी दिन भर की घटनाएँ होती हैं CUET से रिलेटेड, वो सारी न्यूज़ आप हमारे चैनल द्वारा प्राप्त कर लीजिए। आज है 14 जुलाई 2022, तो आज के डेट में CUET 2022 से जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो पूरा इस वीडियो में आपको सही और सटीक तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे सामने यहाँ पर जो है सबसे पहली न्यूज CUET PG की है, उसके बाद हम UG कोर्स के लिए जो कल से एग्जाम हो रहा है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो PG कोर्स का है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर आप PG स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। लिखा है कि बड़ी राहत, फिर बड़ी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट देखें नोटिस। तो नोटिस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए आपकी लास्ट डेट अब कब तक रख दी गई है, 18 जुलाई तक। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन CUET में नहीं कराया तो अब आप जाकर करा दीजिए, ठीक है। और अपने अगर आपके फ्रेंड्स ने इसमें नहीं कराया तो उनको भी ये मतलब कि वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी अपना मतलब कि रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद देखिए, हमारे सामने यहाँ पर और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लिखा है एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जा सकते, ये चीज़ें नहीं ले जा सकते, 15 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी, वो तो हमको भी मालूम है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते, तो देखिए लिखा है कि उम्मीदवारों को उपकरण, ज्यामिति या पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, किसी भी प्रकार का कागज, स्टेशनरी, पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित छपाई हुआ या फिर लिखा हुआ, खाने योग्य मतलब कि और पानी, खुला या पैक किया हुआ कुछ भी नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन तो ऐसे भी नहीं ले जा सकते, ईयरफोन तो ऐसे भी नहीं ले जा सकते, माइक्रोफोन नहीं ले जा सकते, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, और यहाँ पर आगे लिखा है स्लाइड रूल्स, लॉक टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, परीक्षा हाल, कमरे में मतलब कि कोई भी धातु की या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपकरण ले जाने की अनुमति आपको नहीं होगी। तो ये बात ध्यान दीजिए, यदि आप ले जाते हैं तो आपको पहली बार तो गेट पर चेक करके आपसे निकलवा दिया गया, और अगर फिलहाल आप स्मार्टनेस दिखाते हैं, आप मतलब उसके बाद अंदर उसको लेकर प्रवेश कर जाते हैं, तो आप सभी की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप ये जोखिम बिल्कुल भी ना लें और जो है अपना एग्ज़ाम सही से देकर आएँ, ठीक है। ऐसी और खबरों के लिए चैनल पर बने रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।